आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आपको जानना है कि आज के वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ, तो मेक श्योर आप मेरे वीडियो एंड तक देखो। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, उसके ऊपर वो जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दे, ताकि आप मेरे हर वीडियो से नोटिफाइड रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे अच्छे टिप्स और ट्रिक्स में सबसे फर्स्ट नंबर आता है एक शैम्पू और कंडीशनर और एक अच्छा सा सीरम सा। तो अगर आपको एक लॉन्ग हेल्दी हेयर चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है ना, अपने हेयर टाइप के हिसाब से आपको शैम्पू कंडीशनर और सीरम लाजमी ट्राई आउट करना है। अगर आप बहुत अच्छा शैम्पू और कंडीशनर चाहते हो, तो मैं जो यूज़ करती हूँ ये वो है मैट्रिक्स का शैम्पू या कंडीशनर। मैट्रिक्स का शैम्पू भी है मेरे पास, कंडीशनर भी, और सेम उसी प्रोडक्ट का मेरे पास सीरम भी है। सो ये मेरी स्टाइलिश ने मुझे रिकमेंड किया था। हेयर जो हेयर ऑयल है ना, उसको यहाँ पे पहले नहीं लगाना है, क्योंकि आपके बाल यहाँ से नहीं बढ़ते। ये तो आपका लेंथ है ना, जो नॉर्मल आपकी हेयर ग्रोथ होता है आपके स्कैल्प में होते हैं। तो सबसे पहले आपको स्कैल्प पे अपने हेयर ऑयल लगाना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, और उसे बहुत अच्छी तरीके से मसाज करना। उसके बाद आपको यहाँ जो आपके लेंथ है उस पर लगाना है, ठीक है। तो आप अपने टाइप के हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हो। ये रहा हमारा सेकेंड टिप। और अब थर्ड टिप है, तो हमारा थर्ड स्टेप है, आपने शैम्पू ले लिया, कंडीशनर ले लिया, सीरम ले लिया, और अपने हेयर को जल्दी लॉन्ग करने के लिए एक बहुत अच्छा हेयर ऑयल ले लिया। उसके बाद तो थर्ड जो मिस्टेक है, जो बहुत लोग करते हैं, कि आप अपने हेयर को ना, अगर आपके हेयर टैंगल आउट होते हैं ना, आप यहाँ से स्टार्ट करते उसे झाड़ना, और आप बहुत ही पतले तूत वाले हेयर जो कोम्ब होते हैं वो यूज़ करते हो। मैं बहुत ही रिकमेंड करूँगी आपको कि आप जो लॉन्ग, जो जिसके बड़े बड़े टूथ होते हैं ना, वो वाले हेयर जो हेयर कॉम्ब है उसे यूज़ करें। और अगर आप हेयर को अगर टैकल आउट करना चाहते हो ना, तो आप नीचे से स्टार्ट करो, जस्ट यहाँ से थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के ले लेके तब आप ऊपर जाओ। आप डायरेक्टली यहाँ से लाओगे ना, तो ये जो आपके नीचे के हेयर है ना, वो बिल्कुल झाड़ू की तरह हो जाएंगे। ताकि क्योंकि अगर आप अपने हेयर को कोम्ब आउट कर रहे हो, तो आप बहुत प्रेशर से कोम्ब आउट करते हो, और ये तो बिल्कुल आपको नहीं करना। अगर आपको हेल्दी हेयर चाहिए, तो आप बिल्कुल ऐसे प्रेशर से हेयर नहीं कोम्ब करना। अब बिल्कुल पहले तो नीचे से स्टार्ट करना है आपको फर्स्ट, ठीक है। उसके धीरे धीरे करके आपको ऊपर आना, और प्यार से आपको हेयर को कोम्ब करना है, ठीक है। और आप अगर पतले टूत वाले अगर कोम्ब यूज़ कर रहे हो ना, तो वो मत करिए प्लीज़। आप इस टाइप का कुछ कोम्ब होता है ना, जिसके देखे टूथ थोड़े बड़े बड़े हैं, तो इजीली ये इस तरीके से आपके हेयर को टैंगल आउट भी कर देगा, और आपके हेयर फॉल भी कम होंगे, क्योंकि ये इसके टूथ इतने बड़े हैं कि आपके हेयर को ये ज़्यादा टूटने नहीं देगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपका हेयर जो है वो कोम्ब हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा थर्ड स्टेप, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ। सो फोर्थ स्टेप ये है कि अगर आपको हेल्दी हेयर चाहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा बार अपने हेयर वॉश नहीं करना है। आपको वीक में सिर्फ दो बार ही अपना हेयर वॉश करना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। और अब ज़्यादा प्रेशर से अपने हेयर को वॉश नहीं करें, क्योंकि उससे भी क्या होता है ना, आपके बाल गीले रहते हैं, तो वो ज़्यादा टूटने का डर रहता है। और अगर आपने हेयर वॉश किया है, तो प्लीज़ डोंट ट्राई कि आप गीले बालों पे कोम करो अपने हेयर को टैंगल आउट करने के लिए, ठीक है। ये था हमारा फोर्थ टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हो फॉर लॉन्ग एंड हेल्दी हेयर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइव टिप्स। सो फिफ्थ टिप मेरे हिसाब से ये है कि आपको बहुत ज़्यादा हीट प्रोडक्ट्स, मतलब हीट वाले चीज़ अपने हेयर पे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हुआ हेयर ड्रायर, आपको बिल्कुल एयर ड्राई करना है अपने हेयर को, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस में उसे ड्राई आउट करना है। आप हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करिए जब तक कि वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी ना हो। अगर आपको बहुत जल्दी में रश में कहीं जाना है, तो आप हेयर ड्रायर यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको काम नहीं है, आप फ्री हो अपने घर पे, तो उससे नॉर्मल ही सूखने दें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हेयर में अगर हम अपना एक्स्ट्रा हीट लगाते हैं, तो वो डैमेज करता है। जैसे कि देखिए, मेरे जो हेयर है वो नॉर्मली कुछ इस तरीके से, मैंने जब स्मूथनिंग नहीं करवाया था, उससे पहले मैं आयरन से अपने हेयर को स्ट्रेट करती थी, तो उससे क्या हुआ था ना, तो मेरे बाल कुछ
इस तरीके से, रुके बताती हूँ मैं, कुछ इस तरीके से बुरबुरे से हो गए हैं, ठीक है, उस टाइम पे उस तरीके से हो गए थे, इसलिए मैंने स्मूथनिंग ट्राई आउट किया, मैंने अपने हेयर को कुछ ट्रीटमेंट दिया ताकि वो फिर से अपने नेचुरल लुक पे आ जाए। और अब मेरे हेयर स्टाइलिस्ट जो हैं वो भी यही रिकमेंड करती हैं कि आपको बिल्कुल भी ज़्यादा हीट प्रोडक्ट अपने हेयर पे यूज़ ना कर नहीं करनी चाहिए, और अगर आप अपने हेयर पे हीट प्रोडक्ट यूज़ कर भी रहे हो इन एन इमरजेंसी, या आपको कर्ल्स चाहिए या आपके अपने बाल स्ट्रेट करने हैं, तो आप हीट प्रोटेक्टर ज़रूर यूज़ करो, ज़रूर ज़रूर यूज़ करो, ताकि उससे आपके हेयर जो हैं वो एटलीस्ट 90% आपके हेयर बच जाएंगे हीट प्रोटेक्टर से, और 10% थोड़ा बहुत तो आपका डैमेज होगा ही अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अपने हेयर पे नॉर्मल हेयर पे यूज़ करोगे। तो ये था हमारा 5th स्टेप। तो मैंने 5 स्टेप बताया है। सबसे पहला, शैम्पू कंडीशनर और सीरम आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको अपने हेयर ऑयल करना है 2 टाइम्स, बहुत अच्छी तरीके से अपने हेयर को ऑयल करना है। और जो थर्ड है, आपको ये इस टाइप का कॉम यूज़ करना है अपने टैंगल आउट करने के लिए हेयर्स को। फोर्थ कि आपको अपने हेयर को 2 टाइम ही वॉश करना है वीक में, उससे ज़्यादा आप अपने हेयर को बिल्कुल भी वॉश ना करो। और 5th टिप ये था कि आप अपने हेयर को ज़्यादा हीट ट्रीटमेंट्स ना दो, आप हेयर ड्रायर कम यूज़ करो। अगर आप कुछ मतलब स्ट्रेट कर रहे हो अपने हेयर को या अपने हेयर को कर्ल कर रहे हो, तो आप हीट प्रोटेक्टर लाजमी यूज़ करो। तो ये 5 स्टेप था जिससे आपके हेयर हेल्दी हो सकते हैं और बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे आपके हेयर। सो अब हम चलते हैं कि हमें अपने हेयर को हेल्दी कैसे रखना है, ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है। तो उसके लिए आपको कुछ होम रेमेडीज़, अगर आप चाहो तो होम रेमेडीज़ ट्राई आउट कर सकते हो, या जो आप घर पे बना रहे हो वही सेम प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलेगा। तो जैसे कि मैं ऑयल की अगर बात कर रही थी, तो वाव में भी एक हेयर ऑयल है, ऑनियन सीड ब्लैक सीड ऑयल, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, या आप नॉर्मल जो हमारा कोकोनट ऑयल है वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं ना, तो आप क्या करो कि एक अनियन लो, ठीक है, उस अनियन को अच्छे से ब्लीकश कर लो या ग्राइंडर पे मिक्स कर लो, उसके बाद जो उसका रस होता है ना उससे छान लो, और उससे अपने हेयर पर, जैसे अगर आपको कल हेयर वॉश करना है तो आज आप रात को लगा के आराम से पूरे हेयर पे आप लगा सकते हो, ठीक है, ऐसे स्प्रे, या अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, या नॉर्मली ऐसे पुट करके आप अपने, जैसे आप हेयर ऑयल लगाते हो ना वैसे ऐसे करके पूरे रूट से आपको टिप तक अपने हेयर पे उससे अप्लाई करना है, और रात को आराम से सो जाना है और वॉश कर लेना है अपना हेयर। या आप बहुत सारे मास्क यूज़ कर सकते हो, चाहे वो आपको शॉप में मिले या आप घर पे अगर बनाना चाहो मास्क, तो मैंने एक मास्क दिया हुआ है वीडियो, उसमें बनाया हुआ है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो, उस मास्क को आप कैसे बनाओ और रहा, सो आप उसे ट्राई आउट ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि आपको बाहर के प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है अनियन जूस बनाने में या हेयर मास्क बनाने में घर पे, तो आप ऐसा प्रोडक्ट लो जो आपके हेयर को ट्रीट करेगा, ना कि डैमेज करेगा। आप बिल्कुल, अगर किसी ने रिकमेंड किया है तो आपको वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने हैं, आपने उसे अच्छे से उसके डिटेल्स पढ़ने हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए क्या है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये हमारे हेयर के लिए हेल्पफुल क्यों है। और आपको ये भी पढ़ना है कि जिस प्रॉब्लम से मैं मतलब जूझ रही हूँ उससे वो ट्रीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर आपको लगता है कि उससे वो ट्रीट कर पाएगा, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट, या होम रेमेडीज तो हमारे पास है ही हैं। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो मेक श्योर गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको इसी तरीके के और अपडेट्स चाहिए तो वो जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दे, ताकि आप मेरे हर वीडियो से नोटिफाइड रहें। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करोगे अपने लॉन्ग और हेल्दी हेयर के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।